हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑल इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं 6 नवंबर 2022 का वनपाल का पेपर हल करवा रहा हूँ। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन देते हैं, किसी टाइम पास के वीडियो को लाइक जरूर करें। झारखंड सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों, प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण राजस्थान शासनकाल में हुआ? तो राव उमेश सिंह के चित्रकाल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 100 के 100 क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दे एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस लवण में किसलन का जलन जल नहीं होता? तो खाने का सोडा अथवा मीठा सोडा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सवाई बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पाली के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नाथना राजस्थान की एक नस्ल है, तो ऊंट की नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकरण में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है? तो रुदोष प्रकरण में होती है। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RSFF का राजस्थान वार संस्करण था, तो 10वां संस्करण था। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग के निर्वाचन सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान की किस रैंक का है? तो 12वीं रैंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम रेशम से जाना जाता है? तो रेयन को जाना जाता है। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां मेथ का क्वेश्चन है, इसका मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। इसमें 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन के अंदर 12 सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मंत्री संघ का रात में किसे नियुक्त किया? अलवर के राजा को, महाराजा को किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 11/7। क्वेश्चन नंबर 15, अन्ना सागर का निर्माण किसने कराया? तो अन्नू राज ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के भागल प्रदेश का भाग नहीं है? तो बनास बेसिन इसका भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि प्रकाश के पथ में स्थित रेखा अपारदर्शी वस्तु छोटी है तो प्रकाश इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, प्रकाश को कहते हैं? तो रेखीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कुमश्याम मंदिर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट उद्घाटन किसने किया? एस शिंदे ने किया। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य भी कवरेज वाला गांव है? नरसाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर का मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, एक मेट कह एक बार छोड़ देते इसको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर खालिस्तान जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई 2021 में की गई? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार कुलाड़ी खोज निकली? तो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ से निकली। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, किसने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, 5 राज्य से। क्वेश्चन नंबर 30, अमेरिका के शासक को अकबर ने फर्जनंद की उपाधि दी थी? तो मानसिंह ने दी थी, मानसिंह को दी थी। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो जयपुर राज्य से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? गौरी बाई को कहा जाता है। उसमें 30 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, शिष्यों का आभूषण नवरी शरीर का किस भाग में पहना जाता है? तो पांव में पहना जाता है। उसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर है। उसमें 30 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा, मिलान कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 36, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद में मनाया जाता है। उसमें 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 400%। क्वेश्चन नंबर 38, अधिक दूर से आपका क्या अभिप्राय है? तो जल दूर से अधिक दूर से अभिप्राय। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, बिना किसी टाइम पास का क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित बीकानेर के अंदर है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। क्वेश्चन नंबर 40, रानी के रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? तो मुर्गियों का है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित कर राणा सांगा ने किया? उसने 30 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु रेतु सरकार ने 19-20 अगस्त को राजस्थान डिग्री बेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया? तो जयपुर शहर में किया। क्वेश्चन 41 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्नलिखित जगहों में से कौन सा सही सुमृद नहीं है? तो केवला देवी बलतूर, ये सही सुमृद नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, साइनाइड प्रक्रिया निष्कर्षण में आती है, तो सोने के निष्कर्षण में आती है। क्वेश्चन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहा हूँ, 10% होगा, आप सोल्व करके देख लेना। मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? तो नारायण देवी वर्मा ने की। क्वेश्चन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको गणित का क्वेश्चन छोड़ देते हैं एक बार। 51 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की फेराड ने की थी। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। 52 नंबर क्वेश्चन, संख्या समुच्चय 2, 2, 4, 5 तथा 12 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बहुलक माध्य क्या, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभियानों में से कौन सा उड़न गिलीरी के लिए प्रसिद्ध है? तो सीता माता। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, मिलान करके देख लेना। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन डेस्क की परिधि के लिए निम्नलिखित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार की सीमा का स्थानांतरित किया जाना है? तो इंडाला। क्वेश्चन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन,
सदन में किशन फरे 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसके नियुक्त किया गया? रहाना या चिश्ती उसने एक इसका राइटेंस हो जाएगा। 98 किशन निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं रहे? गोविंद गुरु नहीं रहे, उसने एक इसका राइटेंस हो जाएगा। 99 किशन मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो खेरवाड़ा, उसने 20 का राइटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक विद्युत धारावाही घटाकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अनुपातिक होता है, तो पास में प्रवाहित धारा के उसने 20 का राइटेंस हो जाएगा। इससे नंबर क्वेश्चन भागवत सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटाई नदी के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानकर धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया, यह किस जिले में स्थित? तो बांसवाड़ा में, उसने 20 का राइटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, धोलीदास धोलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? किस संत से संबंधित है? तो उसमें इसका हो जाएगा एक संत लालदास से संबंधित है। कैसे नाम है क्वेश्चन, सरस्वती बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो किस जिले से प्रारंभ किया गया? अलवर जिले से, इसमें एक इसका राइटेंस हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना राजस्थान की, तो देवीलाल सामंत की, उसने 20 का राइटेंस। क्वेश्चन नंबर 68, राजस्थान का उत्तरी दक्षिण विस्तार कितना है? तो 826 किलोमीटर है, उसमें 20 का राइटेंस हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। सबेर मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? तो मणि मधुकर की है, उसमें 30 का राइटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, उसमें 30 का राइटेंस हो जाएगा। शीला जोशी का संबंध किससे है? तो फट से है, उसमें 20 का राइटेंस हो जाएगा। बहुत नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम के लिए किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया? शिक्षा के लिए किया गया, उसमें 20 का राइटेंस हो जाएगा। कहते नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध जेठ सागर तालाब कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है, उसमें 30 का राइटेंस हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर सुधीर भंडारी कुलपति नियुक्त किया गया, तो राजस्थान स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय का, उसमें 1 इसका राइटेंस हो जाएगा। किचन नंबर क्वेश्चन, सवानपुर में पुष्प रंग की वन संगति किसका एक उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, उसमें 1 इसका राइटेंस हो जाएगा। क्षेत्र नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत किया? तो 10 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, उसमें 30 का राइटेंस हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, सदीश राशि पहचानिए, तो सवेग इसका राइटेंस हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन, मल्लीनाथ जी का मंदिर राजस्थान स्थित है, तो तीलवाड़ के अंदर स्थित है, उसमें 20 का राइटेंस हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धनायनित अपमार्जक है? तो उसमें 20 का हो जाएगा, सल्टिल टाइल मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड, उसमें 20 का राइटेंस हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, अटपटी अमरसाई उदरसाई शिवसाई क्या है? तो पगड़ियों के एक प्रकार है, उसमें 20 का राइटेंस हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन, लीलदास के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल सेठ हैं लीलदास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 84, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा 51% वे अधिक वर्षा से कम होने पर राजस्थान सूखा कहलाता है, तो भयंकर कहलाता है, उसमें 30 का राइटेंस हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जैसलमेर में। 19 नंबर क्वेश्चन, बाघों में कायिक प्रबंधन की इकाई निम्नलिखित में कौन से? तो ये सभी विधि है, जो सभी है, उसमें 1 इसका राइटेंस हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, जब राजपुताना की रियासतों का साथ 1818 की संधि हुई, तो भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलजेली था, उसमें 2 इसका राइटेंस हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सुपर किस्टिकल ताप विद्युत गृह स्थित है? तो छाबड़ा या सूरतगढ़ के अंदर स्थित है, उसमें 20 का राइटेंस हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, मानमोली शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चित्तौड़ से संबंधित है। 93 नंबर क्वेश्चन, लोकेंद्र सिंह वे जयदीप सिंह राठौर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो बासकोट बोल में कर रहे हैं, उसमें 1 इसका राइटेंस हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन, कांसे की मूर्ति में ज्यादातर होता है? तो कॉपर तथा टीन होता है कांसे की मूर्तियों में, उसमें 1 इसका राइटेंस हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन, शब्द किरण से अभिप्राय है? तो पद तथा कविता है इसका अभिप्राय, उसमें 20 का राइटेंस हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के चार स्तंभों में नहीं है? तो शुरुआत, उसमें 1 इसका राइटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, गंगानगर अगदी खालिस्तान की फसल है? तो कपास की है ये फसल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, गजीपात चार भर नाथ छरी किसके प्रकार है? तो किसके प्रकार, खेल के प्रकार है, उसमें 20 का राइटेंस हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में दो क्वेश्चन बचे हैं, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखा है तो लाइक जरूर कर दें, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। 99 नंबर क्वेश्चन, एक अग्रुण शब्द की हानि से नारियों में होने वाले विकार खालिस्तान है? तो टर्नर सिंड्रोम कहते हैं इसको, उसमें 30 का